हेलो एवरीवन। तो आज हम लेंगे स्टीम। बहुत सारे लोगों को स्टीम का बेनिफिट्स नहीं पता होता, तो जिम में आते हैं, फैसिलिटी भी होती पर वो लेते नहीं हैं। तो आज स्टीम लेते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। हेलो गाइस, ये देख लो स्टीम ऑन हो गई है। ये है अपना स्टीम रूम। तो गाइस आ चुके हैं स्टीम रूम के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टीम वहां से स्टार्ट हो चुकी है। तब तक सो स्टीम के बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जो भी लोग स्टीम नहीं लेते हैं, हमारी बॉडी के पोर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है एंड इट्स रियली अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली जब भी आप स्टीम बाथ लेते हैं, सो मैं अभी लाइक थोड़ा सा वेट गेन कर रहा हूँ, तो उसी फेज पे हूँ वेट गेनिंग के, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे जिम्स में नहीं होती, बट यस जहाँ पे भी होती है वहाँ पे। तो गाइस फेस लॉक भी नहीं खुल रहा था, फोन लॉक हो गया था, फेस से भी नहीं ओपन हो रहा था। सो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, मैंने इसको टेम्परेचर 50 पे करा हुआ है। इनिशियली जो लोग नहीं लेते हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट यस अगर आप एक मंथ में दो बार भी लेते हैं तो बहुत रिलैक्सिंग बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं इससे। वीडियो ठीक से बन नहीं पाएगी शायद, और मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कैसे वर्क करता है ऐसे टाइम में। स्क्रीन बिल्कुल इसकी ब्लर हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं। स्वेट बहुत सारा स्वेट एंड बॉडी के पोर्स ओपन हो रहे हैं। सो प्लीज गाइस अपने रूटीन में डालिए स्टीम, ट्राई कीजिए। आसपास अगर आपके जिम में फैसिलिटी नहीं है तो जहाँ पर भी है वहाँ पर जाके लीजिए, बट यस जरूर लीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी अभी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे हम फिटनेस के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, तो मुझे फोन भी दुखना बंद हो गया है। सो चलो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तो बाहर आके आपसे बात करता हूँ।